कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो। और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है। अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही आकर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है। लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश, और मैं मानता हूं अभी कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास और कर लेंगे तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य अभी उत्तर प्रदेश रखता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है, डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना, कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंता के साथ निवेश कर सकता, बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता। हमारे यहां एंटी भू माफिया टास्क फोर्स है, उसने भू माफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और सभी ओर है। एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, आपने उसकी कहानी को देखा होगा, जब हम लोगों ने, मैंने 2017 में इसकी घोषणा की थी कि हम लोग जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लोग मुझसे कहते थे सब क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा भी एयरपोर्ट बनना चाहिए यहां पे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आपको मालूम है भट्टा पारसोल दे ही तो हुआ था गोलीकांड, तो मैंने कहा क्यों हुआ था, कहा कंपनसेशन को लेकर के, तो मैंने कहा हमारे रहने पर कंपनसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि हमने अब तक वहां पर ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी के माध्यम से उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज के बाद थर्ड और फोर्थ फेज की लैंड भी हम लोग ले चुके हैं, एक भी विवाद नहीं हुआ है, और जितने भी किसान हैं उन सब ने दुगने रेट पर, 4 गुना नहीं, दुगने रेट पर जमीन मुख्यमंत्री आवास पे आकर के मुझे रजिस्ट्री के कागज सौंप करके कहा कि हमारे यहां ये निवेश होना चाहिए। एक कॉमन मैन का सरकार पर क्या विश्वास है, इसका उदाहरण ये वही क्षेत्र है जहां पर पिछली सरकारों के समय में गोलीकांड होते थे, बड़े बड़े आंदोलन होते थे, पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है, कोरोना के सामने पस्त थी, कोरोना में यूपी की एक भी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। हमने वहां पर सरकार की ओर से भी इंडस्ट्री को भी हमने प्रोत्साहित किया, जहां पे इंडस्ट्री को हमें लगता था कि उसे परेशानी है, उनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे या हो सकता है उनके सामने और भी कुछ बात होगी, हमने
स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों ने मिलकर के कोविड केयर सेंटर या कोविड हेल्प डेस्क के बनाने में भी योगदान दिया। हमने वहां पे चिकित्सकों की टीम भेजी, पैरामेडिक्स की टीम भेजी, हमारे टेक्नीशियंस वहां गए, उनका सपोर्ट किए, वहां पर हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया। लेकिन इंडस्ट्री बंद नहीं होनी थी, सप्लाई चेन बंद नहीं होनी थी, एक्सपोर्ट को हमने थमने नहीं दिया। परिणाम रहा, कोरोना जैसी महामारी ने हमारी गति को थाम नहीं पाया था और उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन मॉडल भी हम लोग देने में सफल हुए। ये सभी कार्यक्रम हम लोग जहां आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब जानते हैं औद्योगिक निवेश के लिए जो सबसे अच्छा बेस सही है वह एमएसएमई का एक क्लस्टर। यूपी के पास आज के दिन पर 96 लाख एमएसएमई की यूनिट है, ये रजिस्टर्ड हैं और इसने यूपी के अंदर जो अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश शासन की वह अभियान जिसने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी अच्छी डिजाइन हो, अच्छी तकनीक हो, उसके लिए अच्छा मार्केट मिले, उसकी ब्रांडिंग हो, इसे लेकर के हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज उस वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का ही आधारशिला बना है और उस दिशा में हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए विगत 4 वर्ष के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आसानी से जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। मुझे लगता है कहीं नहीं हुआ होगा कि अगर एमओयू हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के हुए थे और उनमें से 4 लाख करोड़ को हम लोग जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है। कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद हुआ है और मैं इसलिए आज आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश ने अपनी 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है। औद्योगिक निवेश के लिए जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी, हमारे पास जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नेपाल से हमारी सीमा मिलती है लगभग 550 किलोमीटर की, बिहार झारखंड थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा उत्तराखंड और दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश की सीमा इन इन राज्यों से और नेपाल अपने पड़ोसी मित्र देश से भी मिलती है। ये सभी कनेक्टिविटी हमारी आज के दिन पे 4 लेन की है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये कनेक्टिविटी के हमारे बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम लोगों ने 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये सड़क ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के पास है, 16,000 किलोमीटर का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, दोनों का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के जेवर में ही मिल रहा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर रेल नेटवर्क है। एयरपोर्ट के बारे में आपके सामने अभी बताया जा रहा था, 17 तक केवल 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थे, आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट हमारे पास पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 10 नए एयरपोर्ट पर हम लोग कार्य कर रहे हैं जिनमें से 5 एयरपोर्ट हम लोगों ने
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिए हैं एक एमओयू के तहत कि आप इनका संचालन करिए, इनके मेंटेनेंस आदि में जो खर्चा आएगा राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। 5 एयरपोर्ट हमारे बहुत शीघ्र तैयार होने जा रहे हैं जिनको भी हम एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्य करेंगे। लैंडलॉक्ड स्टेट से भी हम ऊपर उठ चुके हैं। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है और इस दिशा में हम और भी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं और इसलिए 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज आपके सामने हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी वैश्विक व्यापारिक समुदाय को हम लोगों ने इसके लिए आमंत्रित किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो उत्साह दुनिया के अंदर देखने को मिला है, लगभग 7,12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं और हम लोगों ने इस पे तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। स्वाभाविक रूप से देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और इसलिए मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप जीरो है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा, उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप फिर देखेंगे निवेश मित्र, निवेश सारथी के साथ साथ इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी ये सभी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके पास जाएगा। आपको किसी कार्यालय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ह्यूमन इंटरफेस को जीरो करने का प्रयास किया है और उसी दिशा में मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन अनंत संभावनाओं को, हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप सब भी अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश का जैसा बड़ा बाजार आपके पास है और इसका लाभ उठाएं, अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वहां उस रास्ते को और सुगम बनाता है उत्तर प्रदेश। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबको 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम के साथ मिलकर के आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करेंगे, उन सभी सेक्टर्स में उन संभावनाओं को तलाशेंगे जो न केवल आपके लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन निवेश के साथ बेहतरीन वातावरण देने का आश्वासन भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।